हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमल कुमार है और आपका यूनिक एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे व्हाट इज़ एंड्रॉयड और व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड्रॉयड और व्हाट इज़ फीचर्स और व्हाट इज़ गूगल प्ले स्टोर। सारे इस क्वेश्चन का सवाल इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे विद हिंदी। आज आपको पूरा पूरा प्रोसेस बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। इस वीडियो में बने रहें और आगे तक इस पूरी वीडियो को वॉच करें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि तभी आप इसका वीडियो का फ़ायदा ले पाएंगे, वरना आपको वीडियो में कोई भी जानकारी मिस आप पूरी नहीं देखें तो आपको वीडियो मिस हो जाएगी जानकारी, इस जब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट एंड्रॉयड, व्हाट इज एंड्रॉयड। हमसे अधिकतर सारे लोग हैं एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल कुछ ही लोग जानते होंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन है क्या। तो आज हम इस वीडियो में एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में बताएंगे कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड के क्या फीचर्स हैं, क्या इसका इतिहास है, कब ये शुरू किया गया था, क्या इसके बेनिफिट है, सारे कुछ एक्स वाई जेड एक्सप्लेन करेंगे। उससे आज से अधिक एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग हर कोई कर रहा है। और क्या आप जानते हैं कि एंड्रॉयड क्या होता है? तो एंड्रॉयड गूगल द्वारा डेवलप किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये लिनक्स कर्नल का एक ओपन सोर्स संशोधित संस्करण है। ये विशेष रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए ही बनाया गया था। और एंड्रॉयड का इतिहास, एंड्रॉयड हिस्ट्री ऑफ इतिहास, तो एंड्रॉयड का इतिहास का मतलब है एंड्रॉयड पहली बार इन कॉरपोरेशन द्वारा 1907 में रिलीज किया गया था। एंड्रॉयड इन कॉरपोरेशन की स्थापना 1903 में एंडी रूबिन ने की थी, जिसे 1905 में गूगल द्वारा खरीद लिया गया था। एंडी रूबिन द्वारा 1903 में स्थापित एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इससे ओपन हैंडसेट एलियंस में भी सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिग्गजों के द्वारा समर्पित किया गया जाता है, जिसमें गूगल, इंटेल, HTC, सोनी, डेल, मोटोरोला, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, टी मोबाइल स्पेन कॉरपोरेशन, एनवीडिया रिवर आदि। 2008 में HTC ड्रीम लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड का सबसे उपयोग करने वाला पहला फ़ोन था। इस फ़ोन पर गूगल के एप्लीकेशन जैसे गूगल मैप्स, गूगल कैलेंडर, गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब आदि, जीमेल आदि प्रिय इंस्टॉल थे। इसमें एक HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब ब्राउज़र भी था। एंड्रॉयड गूगल प्ले के माध्यम से उपलब्ध एप्लीकेशन और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के सभी सपोर्ट करता था। सुविधा वर्ष 2008 में लॉन्च किया गई थी और इस एंड्रॉयड मार्केट कहा जाता था। वर्ष 2010 एंड्रॉयड सबसे अच्छा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया। गूगल ने इस OS के कई संस्करण वर्जन रिलीज किए और वर्तमान समय भी ये एंड्रॉयड सबसे अच्छी बिक्री करने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हाट इज़ एंड्रॉयड वर्जन। एंड्रॉयड वर्जन क्या है दोस्तों? आप ही एंड्रॉयड एक लॉलीपॉप, एंड्रॉयड किट कैट के, एंड्रॉयड नोगेट इत्यादि जैसे नाम अक्सर सुनते होंगे। यदि आपने नहीं जानते कि क्या है, तो आप हम बताते हैं कि ये सभी एंड्रॉयड अलग अलग संस्करण वर्जन होते हैं, जो नई सुविधाओं के फीचर्स और सुधारों के बग फिक्स के साथ अलग अलग समय पर लॉन्च किया जाता है। सबसे पहला है आपको बताऊँ कि संस्करण क्या होता है। संस्करण जिसे हम अंग्रेजी में वर्जन बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम शुरुआत में कोई उत्पाद बनाते हैं तो उसे संस्करण यानी कि 1.0 वर्जन इसके नाम से लॉन्च करते हैं। इससे लेकिन ये साथ जब हम उस उत्पाद में कोई नई सुविधा जोड़ते हैं या पुरानी त्रुटियों को हटाकर उत्पाद की बेहतर बनाते हैं, तो फिर हम उस उत्पाद को कई नए संस्करण के रूप में लॉन्च करते हैं। यदि उत्पाद समान है और केवल कुछ नई विशेषताएं जोड़ जाते हैं और पुरानी समस्याओं को ठीक करने के लिए हटाते हैं, तो इसी तरह एंड्रॉयड में नई सुविधा शामिल होती रहती हैं।
तो हम इस संस्करण को एंड्रॉयड के संस्करण का आज आ गए हैं। वास्तव में इसे APL लेबल भी कहा जाता है। एंड्रॉयड के नए संस्करण में कई नई विशेषताएं होती हैं और इस यूजर इंटरफेस में काफ़ी सुधार किया गया होता है। एंड्रॉयड समय के साथ विकसित हो रहा है और नई सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है। लगभग हर काम ये कर सकता है। ये एंड्रॉयड फ़ोन हर काम कर सकता है जो एक कंप्यूटर कर सकता है। तो एंड्रॉयड के कई संस्करण तो कर सकता है, तो क्योंकि एंड्रॉयड OS को लगातार विकसित किया जा रहा है। गूगल लगातार एंड्रॉयड OS के डेवलपमेंट OS पर काम कर रहा है। गूगल ने हर 6 महीने में एंड्रॉयड का नया संस्करण लॉन्च किया है, लेकिन हर साल एक नया संस्करण लॉन्च किया जा रहा है। गूगल एंड्रॉयड के संस्करण के नाम मिठाई या डेसर्ट पर रखता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने नए संस्करण न्यू वर्जन का नाम रखता है। आइए इन सभी संस्करण के एक एक करके बोलते हैं। तो व्हाट इज एंड्रॉयड की विशेषताएं? एंड्रॉयड की विशेषताएं क्या है? व्हाट इज फीचर? फीचर मतलब एंड्रॉयड की विशेषताएं क्या है? तो हिंदी में बोलते हैं व्हाट इज फीचर, जिसका मतलब है एंड्रॉयड की विशेषताएं क्या है। तो पहला तो ओपन सोर्स एंड्रॉयड लिनक्स कर्नल पर आधारित है और ये एंड्रॉयड ओपन सोर्स OAOSP के रूप में जाना जाता है। ये ओपन सोर्स है, कोई भी व्यक्ति एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज कर सकता है। और दूसरा फीचर्स है यूज़र इंटरफेस एंड्रॉयड OS का यूज़र इंटरफेस हमारे काम को बहुत आसान बनाता है, क्योंकि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आपको ऐप्स खोजने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके मुख्य स्क्रीन पर ही उपलब्ध होता है। ताकि आपको इसकी आवश्यकता के आप इसका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट मल्टीटास्किंग मतलब है कि आप एक साथ विभिन्न चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा उपयोग में बहुत ही उपयोगी है, जैसे कि आप गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हैं और साथ में आप अपना पसंदीदा फेवरेट सॉन्ग भी सुन रहे हैं और साथ में फाइल भी डाउनलोड कर रहे हैं और भी चीज़ इमेज में एडिटिंग कोई सॉफ्टवेयर एडिटिंग भी कर रहे हैं। तो ये सब आप किसमें कर सकते हैं? मल्टीटास्किंग, ये फीचर इसमें दिया गया है एंड्रॉयड के। नेक्स्ट है मल्टी टच का मतलब है कि आप अपने स्मार्टफोन को दोनों उंगलियों से संचालित कर सकते हैं। इधर से उधर जूम आउट, जूम और पिच भी कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन एंड्रॉयड के फीचर्स में दिया गया। और नेक्स्ट है कनेक्टिविटी एंड्रॉयड कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, GSM, EDG, CDMA, 3G, 4G, वोल्ट, NFC आदि, ये सब कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट है मल्टी लैंग्वेज का मतलब होता है, मल्टी लैंग्वेज है कि एंड्रॉयड में कई सारी भाषाएं हैं जो सपोर्ट करता है। एक आपकी पसंदीदा भाषा आप चुन सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठू, तेलुगु, पंजाबी, जो भी आपकी कोई भाषा है आप उसे चुन सकते हैं अपनी अनुसार। तो ये फीचर्स आपके एंड्रॉयड फीचर्स में दिया गया। नेक्स्ट है सिक्योरिटी अपडेट्स गूगल समय समय पर OTGA अपडेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को बग फिक्स और एंड्रॉयड सुरक्षा अपडेट सिक्योरिटी प्रदान करता रहता है। ये भी फीचर्स एंड्रॉयड फीचर्स में दिया गया। नेक्स्ट है गूगल प्ले स्टोर क्या है? व्हाट इज गूगल प्ले स्टोर? गूगल प्ले स्टोर गूगल द्वारा संचालित एक प्लेटफॉर्म है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक डिफ़ॉल्ट ऐप प्ले स्टोर है जो उपयोगकर्ताओं को ऐप डाउनलोड करने की अनुमति देता है। गूगल प्ले स्टोर का उपयोग करने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप गूगल प्ले स्टोर का लाभ उठा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर विभिन्न प्रकार की श्रेणियों जैसे कैटेगरीज और उन श्रेणियों में ऐप्स उपलब्ध हैं। गूगल प्ले स्टोर को द्वारा प्रदान किया गया एक एप्लीकेशन निःशुल्क फ्री ऐप है जो फिक्स्ड प्राइस पर उपलब्ध होता है। यहाँ से आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एंड्रॉयड मार्केट, एंड्रॉयड मार्केट गूगल म्यूजिक और गूगल ई बुक्स प्ले स्टोर, ई बुक्स स्टोर के ग्लैमर्स और गूगल प्ले स्टोर को 6 मार्च 2012 को गूगल प्ले स्टोर लॉन्च किया गया था। यह गूगल प्ले स्टोर पर 14,30,000 से अधिक एप्लीकेशन प्रकाशित किए गए हैं और 50 अरब से अधिक डाउनलोड हो गए। एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड और प्रकाशित पब्लिश करने के लिए गूगल प्ले स्टोर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हेलो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसके ऑल नोटिफिकेशन को दबाना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको पहले पहुँचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड, गुड बाय।